डॉक्टर अश्वनी ईएनटी क्लिनिक में और इसका स्वरूप बदल गया है, अब ये कॉस्मेटिक हॉस्पिटल के रूप में परिणत किया गया है। और मैं आपको बताना दिखाना चाहूँगा, यहाँ का आप दृश्य देख रहे हैं, आज ही इसका उद्घाटन किया गया है डीएम के हाथों और यहाँ काफ़ी मशीनें लगाई गई हैं, अत्याधुनिक मशीनें हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मेहमान बैठे हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे, जो डॉक्टर अचला हैं इसकी स्वामी, और कहा जाए कि डॉक्टर अश्वनी कुमार वर्मा की पुत्री हुई और डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा की बहू हैं। बताइए आप, हमने ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल है इन द वर्ल्ड, हमने वो लगाई है यहाँ पर। दिखाएं कहाँ है मशीनें, तो हम आपको उस कमरे में लेकर आ रहे हैं जहाँ मशीनें लगी हैं। और जैसा कि डॉक्टर अचला का कहना है कि ये अत्याधुनिक मशीन है, हम दिखाएं आप मशीनों को। तो जो भी मशीनें लगाई गई हैं, इनका दावा है कि ये वर्ल्ड लेवल की मशीन है। तो डॉक्टर अचला, आप बताएं कि यहाँ बिहार शरीफ को क्यों चुना आपने, चूँकि ये महानगरों में हुआ करती थी और जैसा कि हमने सुना था कि फिल्म स्टार वगैरह जो होते हैं अपने उम्र को कम करने के लिए इस तरह की सर्जरी करवाते हैं। ये सिर्फ सर्जिकल यूनिट ही नहीं है, यहाँ पर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं। ये एक सेंटर होगा जहाँ पे सारी वैरायटी है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें चाहिए होगी, ये सब कुछ यहाँ पर होगा। जैसा कि जो प्राचीन पद्धति रही, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी, ये हमारे प्राचीन भारत ये सभ्यता की प्रतीक है जिसे आज विश्व अपना रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, इसकी शुरुआत राइनोप्लास्टी इंडिया से ही हुई थी एंड वाराणसी में डॉक्टर सुश्रुत ने शुरू कराया था इसको, एंड आज भी राइनोप्लास्टी काफ़ी फेमस है। हम लोगों ने इंडिया ने शुरुआत करी, लेकिन आज वेस्ट में ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का चलन है। लेकिन छोटे शहर, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा कि क्यों बिहार शरीफ, ये मेरा मदर प्लेस है, होमलैंड है मेरा, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पढ़ाई भी मेरी हुई है और यहीं मेरी शादी भी हुई है। तो काफ़ी महंगा होगा, काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट। अगर आप मेट्रो से कम देखेंगे तो एक्चुअली हाँ, ये बहुत महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट हमने इसको बहुत ही किफ़ायती दरों पे रखा है। यानी आपका घर है तो चाहते हैं कि कम पैसे में उनको वो सुविधा दें। इस वक्त हम मौजूद हैं अश्वनी कॉस्मेटिक हॉस्पिटल में और यहाँ के, जैसा कि अभी अभी डॉक्टर अचला से हमने बात करी, उसके बाद एक दिल्ली से आई हैं, मीडिया सेक्टर की हैं, तो उनसे बात करते हैं कि इन्होंने दिल्ली में इस तरह के क्लिनिक में गई हैं और क्या अनुभव करा है इन्होंने और क्या इनको फायदे हुए हैं। तो आप बताएं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप आज नालंदा में हैं, और ये भी जानकर खुशी हुई कि आप एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में कॉस्मेटिक सर्जरी करवा चुके हैं, क्या करवाया था आपने? हमने अल्ट्रासोनिक से करवाया था स्किन पे, जिसके कि ग्लोइंग, जैसे चेहरे का जो ग्लोइंग है वो एक एज, सर्टन एज के बाद चला जाता था, 30, 35, 40 के बाद, तो उसमें अल्ट्रासोनिक मशीन पे एक ब्लीचिंग टाइप का कुछ लगा करके उन्होंने किया था, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 6 मंथ तक हमारे स्किन पे जो ग्लोइंग है, लोग जो परेशान होते हैं कि भाई चेहरा ग्लो नहीं करता, तो वो हमारा 6 महीने तक रहा। और 6 महीने के बाद मुझे कितने दिन पहले करवाया था? हमने फरवरी में करवाया था। कितने दिन हुए? 6 मंथ होने को आया है। फिर भी आपके चेहरे चमक ये उसे लेजर का प्रभाव, उसे लेजर का कमाल है जिससे वो करवाने, उन्होंने कहा था कि 3 स्टेज में होगा ये, हर 1 महीने पे एक लेना था मुझे, लेकिन मैं नहीं ले पाई चूंकि मुझे नालंदा में बहुत सारे काम करने थे, इस बीच में नालंदा आ गई थी, तो जिसके कारण उन्होंने नहीं ले पाई, लेकिन दो प्रोसेस और रह गया है वो मुझे लेने थे। जैसा कि अभी इन्होंने बताया, तो क्या इन्होंने सही बताया? मैं बिल्कुल सही बताया उन्होंने, एंड रिजल्ट्स जो आप बोल रहे थे ब्यूटी पार्लर्स में, एंड क्या डिफरेंस होता है, आपको वो ग्लो देते हैं, थोड़े दिनों तक रहता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल काम नहीं करता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन हम जो ट्रीटमेंट्स देते हैं, हम स्किन को अंदर से इम्प्रूव करते हैं, आपका टेक्सचर, आपका रिंकल, ये सारी चीज़ें जो है वो अंदर से, इवन स्किन कलर टोन, ये हम नहीं बोल रहे हैं जो बिल्कुल जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है वो बिल्कुल फेयर हो जाएंगे या फेयर है वो डार्क हो जाएंगे,
लेकिन उनका स्किन जो है इवन टेक्सचर्ड और उनका जो नेचुरल कलर है वो खिल करके आएगा। तो जैसा कि दिल्ली से आई रेणुका जी ने कहा कि उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया था और उसके फायदे मिले हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये लाभ नालंदा के लोगों को मिलना शुरू हो गया है।